की बड़ी खबर। यूपी के मिर्ज़ापुर से, यूपी के मिर्ज़ापुर के सोनई गांव में करीब 2 साल से अधिक हुए हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बता दें कि यूपी के सोनई का मामला है, बता दें कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ। इस पर भी बड़ी खबर यूपी के सोनई गांव से। बता दें यूपी के मिर्ज़ापुर के सोनई गांव में पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस पर की बड़ी खबर है यूपी के मिर्ज़ापुर से। बता दें यूपी के मिर्ज़ापुर में महिला ने मुख्यमंत्री से रो रो कर लगाई गुहार, बोली कि कैसे भी अपराधी और जो हमारे साथ में गलत किया है उसको, जो भी हमारे साथ में हुआ है उसको सजा मिलने के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिस्टम पर बड़ा सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मिर्ज़ापुर के सोनई गांव। हमारे गांव में जो अन्याय हो गया अभी कभी जीवन में नहीं फैल रहा है, ऐसा चीज नहीं कभी हुआ था। अरे मुआ ददबान जो है बताए मुआ के धन संपत्ति को लूटे के कोशिश में बांध, थानेदार सुनता नहीं, थानेदार पैसा लेकर के अपना मजा ले रहा है। और हम क्या बताएं आप लोग से, नहीं बता सकते सच्चाई की 9 बजे निकलन की 12 बजे निकलन की सजा तो गोल बारन, ये हमने कोई नहीं बता सकल जाए। तब हमें 7 बजे जब फोन गयल तब वहाँ से अली, तब हम 100 नंबर के फोन कर लिए। हम कह कि भैया जब भैया घरे में रहतन, भैया घरे में मर गलतन सही लगत, उ 2 किलोमीटर नाच भट्ठा पर कैसे गईलन। तो सभे कहे लगल कि जो न कि नहीं अपने से गल हैं, दारू पियत रहना, दारू पिए के अथुआ में गल हैं, हमके फिर भी भरोसा नहीं भर। क्या लगती है 2 साल हो गया पुलिस ने अभी तक तो खुलासा नहीं किया, पुलिस वालों के पास आप जा रहे हैं बार बार, पड़ताल सब कुछ कही है। बाकी तो कहा कि जब पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आई तब हम एफआईआर करो। 2 साल में करीब पीएम रिपोर्ट नहीं आता है, पीएम रिपोर्ट इवल की तीसरे दिन आवाला। बाकी तो हमने के खुद हो गल कि यसो वहाँ का पैसा लेके दबा दिए। जब पैसा लेके ऊपर से नीचे तक सब अधिकारी उसमें भरे हुए थे, तो उसके फिर आपने आगे बढ़कर फिर आपने कार्रवाई करने के लिए फिर क्यों नहीं बात की? एसओ साहब के हम लोग गयी, अगर गांव का समाज 10-20 लोग लेके गयी, बाकी तो एसओ साहब वहाँ से भगा दिला। कल एक कागज देखौली, कल की बतावा एक बहन है हम कि वहाँ से भैया के हम सोच में आये थे कि भैया हमार कैसे मर गये इतना दूर, उनका जांच पड़ताल आप खुदे कराए। तो कहे कि नहीं 10 रुपया का पेपर लेके तुम कोर्ट में जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या उस पुलिस वाला का नाम क्या था, कुछ बता सकती हैं आप? पुलिस वाले का नाम कारण विजय प्रताप, एसओ साहब एसओ था। उसको आपने पूछा नहीं कि तुम क्यों यहाँ पे बैठे हो, क्या जरूरत है? जब हम तो खुद कल गए हम मट्टी का तेल छिड़क के, जिससे भैया मर गए उसे हम भी मर जाए, एक बहन उसका है। अब भाभी है कि भाभी कोर्ट कचहरी खेत के विषय में जाती तुरंत, और सेहत करौलिन और आसत करौलिन, बताओ कि भैया के मरते हुए खुद भाभी को जा, इसलिए कि उसके बच्चे भी नहीं थे भैया के। क्या माना जाता है इस तरीके से आपके भाभी का नाम मीरा था, मीरा भाई, और जिस तरीके से उस व्यक्ति के साथ में जो आपके देवर था उनके साथ में क्या संबंध थे? भैया के कुछ भी नहीं संबंध है, बताओ कि भैया कोई के भाई मर जिहन तो तीसरे दिन ऊपर जो न की क्रियाक्रम करी कि भाभी के संगे जाय बलात्कार भ छेड़खानी करी। बाकी तो दूसर कुछ लगा करके वह पैसा लेके लगा दे अथवा में छेड़खानी में लगा के उनके 17 दिन जेल में रख ली। हम वह भाई के छोड़ा के लिए ली, ये नहीं ये सब गलत है। बाकी तो वह का मुकदमा भी चला था, देखा थी हम भी। एक मिनट कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री से, तो हमारी है हाथ जोड़ के निवेदन हुआ कि एसओ साहब के भी सजा मिले के चाहिए, जो हमारे भैया का कातिल के छोड़ दिलन ना ही पकड़ पौल, जो हत्या के लिए उनके भी सजा मिले के चाहिए। ये है हमारे गुहार बा दूरदर्शी और मीरा की बात करिए, उन दूरदर्शी और मीरा में क्या संबंध? उन अवैध संबंध थे, साली जिला को उनको संबंध था पहले से ही। तो हत्या के आरोपी जो है दूरदर्शी और मीरा है, तो अभी तक पुलिस जब इतना स्पष्ट कर रहे हैं आप लोग, तो क्यों नहीं अभी तक? भैया पुलिस इतना ऐसा पैसा दे दिए जमीन के लालच में, ये मीरा देवी उनके आदमी का हत्या हुआ, हत्या होने के बाद 1 हफ्ता बाद उतना जमीन वसीयत करा के जमीन बेच दी, अपना बेचने लगी, वसीयत करा के जमीन बेचने लगी, वो जमीन बेच करके थाने वो इतना पैसा दे दी कि उसी में से किसी हम लोग को दे। तब भैया इतना ही नहीं, हम लोग कम से कम गांव से
ट्रैक्टर से, ट्राली से, जीप से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से कम 50, 60, 70, 80 आदमी हम लोग गए। दूसरा आदमी जाकर धरना भी दिए थाने पर, लेकिन उस सब मतलब है हम लोग एक सुनवाई नहीं किए। कभी यशो नहीं रहता था, कभी साय नहीं था, तो भाई था तो उसे था, हम लोग पढ़ा दिए, हाई कर रहे हैं, हो कर रहे हैं, तमाम दुनिया भर के बवाल ये सब केस मतलब। लेकिन इस तरीके से आपने सुना है कि मुख्यमंत्री तक आपने चक्कर, हम लोग मुख्यमंत्री नहीं भैया, हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, DIG, IG, SP, CO, थाने पर, PMO कार्यालय, हर जगह जो कि हम लोग लेटर दिए, अभी भी हम लोग रखे हैं उसका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बयान कहते हैं, बार बार बोलते हैं कि अगर जो भी एकदम झूठा, वो तो एकदम झूठा बोलता है, पक्का झूठा है, मतलब कुछ भी नहीं है। आए दिन हत्या, मार, लूट काट हो रहा है, आए दिन उत्तर प्रदेश एकदम भ्रष्ट, एकदम भ्रष्ट, एकदम भ्रष्ट, कोई न्याय हमको नहीं मिला। आज हम लोग परेशान है, थाने के चक्कर काटते काटते परेशान है। उस समय इस वक्त विजय प्रताप, वो इतना पैसा ले लिया लेकिन यहाँ ट्रांसफर करके चला गया, उसमें कछवा में है, वो वर्तमान में कछवा में है। एक साहब था विनोद, वो भी पैसा लिया है। ऐसे में क्या माना जाता है कि हम लोग माने कि हम लोग मतलब कोई मतलब न्याय मिल ही नहीं रहा है। वो बार बार बोलते हैं कि हम पुलिस वालों को सही तरीके से कर दिए हैं, एकदम कुछ भी नहीं किए हम लोगों को, मतलब हम लोग को भैया जब न्याय मिले तब तो हम माने, जब न्याय हम लोग मिल ही नहीं रहा है तो हम कैसे माने। तो अभी तक जब पुलिस वाले अब क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर? हम लोग एक ना वो तो नया ऐसा आया था, आया था गांव में ये बिजनेस, सिर्फ एक बार, दो साल में एक बार आया था, जो क्या नाम रहेश वर्मा, रहेश वर्मा एक बार आया था। एक दूसरे से पूछा कि भैया हत्या कैसे हुई, तो हम लोग बताए 4-10 आदमी गाँव के कि हत्या मतलब दुर्दशी मीरा की है, आप लोग देखे हैं तो नहीं भैया देखे होते तो हत्या कैसे होती, हम लोग एक देखे होते हत्या कैसे होती, तो बोला ऐसो कि हम लोग कैसे मान ले भाई, ये तो काम आपका ना है, जरा सा गांव में कुछ मार पड़ होता है तो पटना पुलिस आती है, उसका खुलासा हो जाता है, हम लोग देखे होते तो उसकी हत्या कैसे होती, तब जब नहीं देखे होते तब इस तरीके से भाई ये तो काम आपका सर ना, हम तो बोले कि तो ये काम सर आपका है, आपके पता लगाइए, ठीक है अच्छा जब नहीं देखे हो तो अच्छा देखेंगे हम। सर इतने नहीं, वो जो विजय प्रताप ऐसो था, हम लोग उसको मोबाइल का नंबर भी दिए, यही मोबाइल जो बात हुई है इसी मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डेटा निकलवा लीजिए, सारा राजपास हो जाएगा, वो भी नहीं किया, वो भी पैसा के बुद्धे दब गया, 2 बीघा जमीन बेचकर सब पैसा लुटा रही है थाने पर, थाने वाले कहीं मस्त हैं, एक दिन न कहीं जांच न कहीं पड़ताल। हम लोग कोर्ट में गए 356-3 में, एक साल के बाद हम लोग का मुकदमा कायम हुआ 302, उसमें भी विवेचना में सब गलत बोल रहे आगे हम लोग के खिलाफ जो है कि मतलब भेज दिया, उस चीज़ों के पड़ा है, अभी भी कुछ मतलब कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा जो है कि राम ई अपन देव मीरा देवी जो है कि श्याम जी को उल्टा फंसा छेड़खानी में फंसा दी, वहीं पुलिस जो कि उनको उठाकर बंद कर दी, किसी से गांव में नहीं पूछे कि हाँ ये बात सही गलत है, अपने मन का विवेचना करके विश्वास बोल के फंसा दी, 10 दिन बेचारा जेल में था, हमको फंसाया थी, किसी तरह से हम बरी हुए, ये सब काम पुलिस वालों का। तो ऐसे में जब पुलिस वाले इतना जब अत्याचार कर रहे हैं तो गाँव वालों ने क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहा? भैया गाँव वाले हम मजबूर हैं ना, मतलब क्या करें, कम से कम हमें 150 लोग 4-10 बार धरना दिए थाने पर, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ, आज तक DIG तक, SP तक कहाँ हम नहीं गए, मुख्यमंत्री कार्यालय तक गए, PMO कार्यालय तक गए, हम कहाँ नहीं गए, लेकिन सब वहाँ से लेटर आता था ये सब दाद देते थे। अब उस मामले को लेकर क्या पुलिस का कहना है? अब मतलब पुलिस का कहना यह है कि भैया हम विवेचना कर रहे हैं, विवेचना क्या होता है हम भी देते हैं, जैसे वो कह रहा है कि PMA नहीं आया है, मतलब पुलिस बोल रही है कि PMA नहीं आया है, न विश्राम आया है, लेकिन ये तो काम भैया आप, लेकिन विश्राम साफ शब्द दिया है कि इसका मृत्यु जो मतलब क्या होता है थाइलिंग मिथाइल से हुआ है, तो मिथाइल मतलब जहर, तो भैया जिसको हम अधिक दारू पिया देंगे तो उसको हत्या हो जाएगी ना, हम आपको पटक के जबरी मुँह में जब हम दारू डाल दें तो हत्या निश्चित है, तो इसका मतलब हत्या हुआ है, वो लोग दारू जबरी पिला करके हत्या किए हैं, कन्फर्म है, उसके मुँह से ब्लड आ रहा था, यहाँ आया तो हिरण की हड्डी में सब घाव था पूरा, हर चीज गले पर काला था भैया, इतने नहीं PM में भी जो